नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश वर्तिका किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बटर चिकन। तो दोस्तों, इसे हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बटर चिकन बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन, इसको हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। साथ ही हमने लिए हैं 4 बड़े टमाटर रफली चॉप, इन्हें हमने कर लिया है। साथ ही हमने लिए हैं 3 बड़े प्याज, इन्हें भी हमने रफली चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्च, इन्हें भी बड़ा बड़ा काट लिया है। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक, 50 ग्राम बटर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और साथ ही हमने लिया है दोस्तों अमूल फ्रेश क्रीम। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा लिया है और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 60 ml रिफाइंड ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें अब हम एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे। लगभग 30 से 40 सेकंड के बाद हम इसमें अब प्याज ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है। बस दोस्तों, ये देखिए, हमें प्याज को इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज को पकाने में मुझे लगभग 1.5 मिनट लगा है। अब मैं इसमें अदरक ऐड कर दूंगा, साथ ही हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और टमाटर भी। गैस का फ्लेम फुल है दोस्तों अभी, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक हमने सारी प्रोसेस जो है वो फुल फ्लेम पे ही करी है। अब इसे हम ढक के 1.5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। 1.5 मिनट हो गया है, अब इसे हम खोल लेंगे। ये देखिए, हमारा टमाटर जो है अब नरम हो गया है। बस अब इसे हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब गैस की फ्लेम मैं बंद कर दूंगा और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। तो जब तक प्याज टमाटर ठंडा हो रहा है, हम लोग अपना चिकन फ्राई कर लेते हैं। मैंने वही कढ़ाई ली है जिससे मैंने अभी प्याज टमाटर फ्राई किया था। उसमें मैं डालूंगा 40 ml ऑयल और साथ ही 25 ग्राम बटर हम इसमें डाल देंगे। साथ तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे और इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे। तो अब हम चिकन को फुल ब्राउन होने तक पकाएंगे दोस्तों। 4 मिनट बाद चिकन हमारा कुछ इस स्टेट में आ जाएगा, तो हमें इसे अभी और भूनना है। तो लगभग 12 मिनट हो गए हैं इसे हाई फ्लेम पे पकाते हुए। तो बस दोस्तों, अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगा। मुझे लगभग 15 मिनट इसको पूरा भूनने में लगे हैं। अब चिकन को मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा, ये देखिए, और हम कढ़ाई को क्लीन कर लेंगे। तो हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। जो बचा हुआ बटर है उसमें से मैं हाफ बटर अभी यूज़ कर लूँगा और साथ ही हमने मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। अगर आपको और स्मूथ ग्रेवी चाहिए तो आप इसे छान लीजिए एक बार बड़ी छन्नी से और उसके बाद उस पेस्ट को यूज़ कीजिए। हम इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके हम बचा हुआ पेस्ट भी निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम अभी लो है, अब इसमें हम अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ देगी मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून चिकन मसाला। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो है, अगर हम गैस की फ्लेम को बढ़ाएंगे तो इसमें बबल्स उड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को भी लो रखा है। अब इसे हम ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। वाओ, हमारी ग्रेवी एकदम परफेक्टली कुक हो गई है। ये देखिए, बबल्स उठने लग गए हैं। अब हम इसमें सीधा चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसे ढक के लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे फ्रेंड्स। तो 5 मिनट हो गए हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पे ही। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल लेंगे। वाओ, साथ ही इसमें 200 ml हम लोग क्रीम ऐड कर देंगे, अब अमूल फ्रेश क्रीम। अब इसे हम ढक के 3 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम हटा लेंगे।
यकीन मानिए दोस्तों, एक बार इस तरह से बनाएंगे ना इस बटर चिकन को, बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब हम इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डाल लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा बचा हुआ बटर है। और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। तो तैयार है हमारा बटर चिकन दोस्तों। वाओ, कितना बढ़िया लग रहा है ये देखिए। चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा बटर चिकन। तो देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन लग रहा है हमारा बटर चिकन। हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, लेकिन ये चेंजेस के साथ अगर आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब लगेगा दोस्तों। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।